के बढ़ते मामलों को देखते हुए माइक्रो कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किए गए मेन मार्केट बाजार का जायजा लेने एसडीएम कन्नू गर्ग उक्त क्षेत्र पहुंची। इस दौरान उन्होंने पैदल चलते हुए जहां पूरे बाजार का जायजा लिया, वहीं दुकानदारों से चर्चा भी की। इस मौके पर उन्होंने माइक्रो कंटेनमेंट क्षेत्र के साथ लगती कुछ दुकानों को बंद करने के आदेश भी दिए। ये है एसडीएम कन्नू गर्ग, जो थाना प्रभारी नंगल के अलावा मेन मार्केट के दुकानदारों के साथ मेन मार्केट के उस क्षेत्र का दौरा कर रही हैं, जिस क्षेत्र को माइक्रो कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। बता दें कि मेन मार्केट में लगातार बढ़ते कोरोना केसों को देखते हुए सोमवार को शुरू करवाए गए रैपिड टेस्ट में मेन मार्केट के 116 में से 10 लोग पॉजिटिव पाए गए थे, जिस कारण मेन मार्केट की एक लाइन को माइक्रो कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया था। इस मौके पर उपस्थित श्री सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष रमेश गुड़ाटी ने क्या कहा, पहले जे सुने। मार्केट भी एक साइड बंद है जी, जेड़ी की गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के नाल बंद की गई, उन्हें काउंटर एरिया जेड़ा घोषित किया गया। ये दुकानदारों तो बहुत ही लॉस हो रहा, क्योंकि जोड़ी एक साइड हम बंद हो चुकी है, कस्टमर बाजार के आ ही नहीं रहा बिल्कुल। अभी सवेर के बिल्कुल फ्री बैठे हाँ, तो कोई कस्टमर नहीं बाजार के आ रहा। ज़्यादा बैटर है इनू किसी तरीके की दुकानदारों कवरअप कर लिया जाए, जिन्होंने केसिस ज़्यादा हैगे है उन्होंने कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, बाकी उन्हें खोल दिता जाए ताकि असी भी रोटी रोजी कमानी है, और वास्ते साढ़े भी जरूरी है। मैं इन्होंने एल डी एम साहब का बहुत ही धन्यवादी हाँ, जेडे कि इस टाइम तो इतने साढ़े को आए हैं और इन्होंने साढ़े आके गलबात सुनी है। मेरा विचार है कि बाकी एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा समझदार है कि करना कि नहीं करना। लगता नहीं है, क्योंकि लगता नहीं है, कहते मिनीमम 7 डेज वास्ते तो असं इन्होंने इस एरिया घोषित किया ही है, 7 डेज वास्ते तो बंद करांगे जी, लगता नहीं है वैसे चांसिस नहीं। इस मौके पर एक कन्या दुकानदार कपूर सिंह को भी सुने, उन्होंने सिटी हलचल से बात करते हुए क्या कहा। मैं तो देखो ये कहना कि एहतियात तो लेना जरूरी है, पर एक्चुअली एहतियात के नाल नाल बिजनेस भी साड़ा, क्योंकि पहला भी 3-4 महीने बंद रहा, हूँ बड़ी मुश्किल के नाल काम चलिया सी। काम चलन तो बाद कुछ जिवें कि हुण परिवार तो दो की अफेक्टेड है, ज़्यादा दो परिवारों के नाल पूरा बाजार जिहड़ा बंद कर देना, मैनू तो कुछ चंगा नहीं लग्या। ये चाहुंदा है कि ठीक है बिल्कुल जो सेहत ठीक है तो गल हैगी है, पर हुण एक कई जगह आपां इह भी देखिया कि तुसीं ऐनू चले जाओ एक बाजार की मेन गल मैं थोनों कि आह एक दुकान छड़ के उस तो बाद दुकाना खुलियां ने, परले पास एक दुकान जिथे मेन प्रॉब्लम आ उस तो अगे 9 दुकाना खुलियां ने, तुसीं फिर की इधरले पास नूं जांदा कि उधर। इस दौरे के दौरान एसडीएम कन्नू गर्ग ने लोगों से ना डरने की अपील करते हुए खुद कोरोना टेस्ट करवाने को पहल देने की अपील की, और कहा अगर बीमारी का समय रहते पता चल जाए तो उसका उपचार भी आसानी से किया जा सकता है। उन्होंने लोगों से घरों से निकलते समय मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंस का पालन करने व बार बार हाथ सैनिटाइज करने की भी अपील की। इस मौके पर उन्होंने माइक्रो कंटेनमेंट क्षेत्र के साथ लगते एक शराब ठेके व अन्य कुछ दुकानों को भी बंद करवाने के आदेश जारी किए। इस मौके पर सिटी हलचल से बात करते हुए एसडीएम कन्नू गर्ग ने क्या कहा, जय सुने। माइक्रो कंटेनमेंट जी असी मेन मार्केट नंगल की हैगी है, वेद असी 1-2 दिन पहला तकरीबन 100 के करीब सैंपल लिते से, जिदे 10 सैंपल जोड़े है पॉजिटिव आए थे, इसलिए असी गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शनस के अकॉर्डिंग जेडे एक रो हैगी है मेन मार्केट की, वह असी माइक्रो कंटेनमेंट जोन के अंदर लिती है, तो 10 दिन एक बार बंद की हैगी है। तो उस तो बाद अज असी अराउंड 80-84 के करीब सैंपल असी होर लिते ने, तो असी उम्मीद करते हैं कि होर पॉजिटिव नहीं आएंगे, पर जे केसिस वधदे हैगे तो सानू फिर फरदर जी गवर्नमेंट की जिम्मे भी इंस्ट्रक्शन होनगियां वो लागू असी करवानियां पैनगियां। मैं लोगों को यही अपील करना चाहनी हाँ कि जे किसी नू भी कोई खांसी जुकाम बुखार के लक्षण हैगे हैं तो वह प्लीज़ सैंपल करवाण, क्योंकि जे बीमारी आपां स्टार्टिंग दे विच फड़ लैने हैगे हैं तो यह सामना बहुत सौखा है। बहुत केसिज आ रहे इस तरह के कि पेशेंट्स जिहड़े हैगे हैं खुद ही मेडिकेशन अपनी करते हैं, तो फिर जो थोड़ा सीरीयस हो जाता फिर हॉस्पिटल जाते हैं, तो उदों तक संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसी करके जो अपना डैथ रेट हैगा वह बढ़ रहा हैगा। तो मैं लोगों को अपील करती हूँ कि तो डरन वाली कोई गल नहीं हैगी, असी 24 घंटे थोड़ी जी है सर्विस के हाज़र हाँ, डॉक्टर हाज़र ने, तुसी जदों मर्जी सानू कॉन्टैक्ट करो, बिल्कुल ना घबराओ, बिल्कुल ना डरो। तो माड़ा मोटा सिमटम होंदे ही जिहड़ा हैगा है
हॉस्पिटल दे विच कॉन्टैक्ट कर दी सैंपल कराओ। गवर्नमेंट जिहड़ी हैगी है पंजाब सरकार बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जिहड़े हैगे टैसट करके दिंदी हैगी है, तां घबराण दी लोड़ नहीं है और जिन्ना वध तों वध टैसट करा सकदे तुसीं करवाओ। इस तों इलावा जिहड़ी समय समय ते हैल्थ एडमिनिस्ट्रेशन वल्लों जिहड़ियां हदायतां जारी हुंदियां ने जिवें कि मास्क पा के रखना, वधों वध हथ धोना या जे तुसीं हथ नहीं धो सकदे तां हैंड सैनिटाइजर दा इस्तेमाल करना ते सोशल डिस्टेंस मेनटेन करना ये बहुत ही जरूरी है। इसलिए इन्हें जी सारी इंस्ट्रक्शंस नू है प्लीज़ फॉलो किया जाए। इस मौके पर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर पवन चौधरी को भी सुने, उन्होंने सिटी एल एच एल से बात करते हुए क्या कहा। इस तरह हैगा कि मैडम एस डी एम मैडम ने जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन विजिट किया उन्होंने मौके के हालात देख के तीन एक शॉप्स होर सू बंद कराने लिए कहा कि भी नाल लगदी एडजॉइन है तो वो असी वो भी बंद करवा देती हैं, उन्होंने ऑर्डर जोड़े हम शाम तक आ जाएंगे। सिटी हलचल के लिए नंगल से करण चोपड़ा के साथ अशोक चोपड़ा की रिपोर्ट।